हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आज तो मैं पूछूंगी नहीं कि आप लोग कैसे हो या आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि मुझे पता है सबके दिमाग में एक ही चीज़ है अभी कि कुछ याद नहीं है, कुछ सब भूल गए, कुछ पढ़ा नहीं है, बहुत सारा सिलेबस है, कैसे होगा नीट में। तो यार ये जस्ट नीट रिलेटेड एंजाइटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब भूल गए हो या आपने पढ़ा नहीं है। आपको लगता होगा लास्ट मोमेंट पे कि अरे बहुत सारा सिलेबस बाकी रह गया है, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा तो है ही, बस उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ कर लो तो फिर वो पढ़ा काम ही आ जाएगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ लास्ट मोमेंट पे बायो का क्या करना है। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने बता दिया कैसे करना है क्या करना है, लेकिन बायो का भी तो सोचो यार, बायो को छोड़ना नहीं है। बायो के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी, जितने बार एनसीईआरटी कहा जाए कम है, एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए। और पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन रीड करने का तो टाइम बचा नहीं है, तो अब सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मार्क किए हुए हैं, वो सब पढ़ सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज कि अब 2 दिन बचे हैं नीट एग्ज़ाम में, तो क्या तो हम बायो कितना पढ़े, कितना ज़्यादा पढ़ ले। तो देखो 2 दिन बचे हैं तो 2 बार रिवाइज़ कर लो। 1 दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 8 से 10 घंटा लग जाएगा। आज आप ज़्यादा टाइम लगा के बायो का 11th और 12th पूरा कंप्लीट कर लो, और अगले दिन बस उसको देख लेना। तो जब आप पेज पलटोगे ना, आपको खुद याद आएगा कि आपने क्या पढ़ा था आज। और प्लीज़ कोई भी न्यू सोर्स मत लेना, अब सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना। अपने नोट्स अगर है तो वो पढ़ लो, शॉर्ट नोट, कोई टेबल वगैरह बनाया है साइंटिस्ट के नाम और इस तरह की कोई चीज़ें जो आपने खुद बनाई है, शॉर्ट नोट बनाया है, तो उसको पढ़ लो और एनसीईआरटी पढ़ो। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो इन 2 दिन में आप जितना पढ़ सकते हो उस टाइम को हाफ हाफ में डिवाइड करो। लाइक अगर आप 10 आवर्स पढ़ सकते हो तो 5 आवर्स आपको बायो को देने हैं और 5 आवर्स में आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का रिवीजन करना है। केमिस्ट्री फिजिक्स का रिवीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अपने कोचिंग नोट्स से या फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स से करना है, और कुछ नया चीज़ नहीं करना है। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो उनके क्वेश्चंस को रिव्यू कर लो, उनके क्वेश्चन को दोबारा से एनालिसिस कर लो, और 5 घंटे मिनिमम आप बायो को दो, और उस 5 घंटे में रीडिंग करो। ट्राई करो कि 2 से 3 घंटे में 11th का बायो कंप्लीट करो, एंड सिमिलरली 2 से 3 घंटे में 12th का बायो कंप्लीट करो, क्योंकि करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप ये कह दोगे कि नहीं हो सकता, तो जो इजी चैप्टर है उसको छोड़ दो, जो चैप्टर याद करने वाले हैं, जिनको टाइम देना ज़रूरी है, उनको तो ज़रूर से ही दो, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी से ही, ऐसा नहीं कि रात भर जाग के पढ़ो सो नहीं, तो एंड में यार 5 तारीख को स्लीप डिप्राइव्ड हो जाओगे, है ना। तो अच्छे से सोना है, अच्छे से खाना है, रिवीजन करना है। नहीं हो पा रहा है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है कि बिल्कुल सोए ही नहीं। अब तुम बॉडी जागती रहेगी लेकिन दिमाग तो नहीं जागता रहेगा ना, दिमाग को तो उतना टाइम चाहिए रेस्ट करने को, इन्फॉर्मेशन रिटेन करने को। तो सोना अच्छे से है, आज कल परसों 4 तारीख को तो बिल्कुल ही अच्छे से सोना है, और उसके बाद स्टे पॉजिटिव, वहाँ जाके आपको सब चीज़ें याद आएगी एग्ज़ाम में, जो भी आपने पढ़ा है ना, ऐसा नहीं कि वो कहीं वेस्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम में अल्टीमेटली वो याद आएगी ही, ठीक है। तो मैं देखो अपनी इंटर्नशिप की पोस्टिंग से टाइम निकाल निकाल के आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, मैं इतना एफर्ट लगा रही हूँ, तो तुम भी थोड़ा मेरी बात को सुनो, अपने आप को रिलैक्स रखो, काम रखो, पॉजिटिव रखो, और घबराओ नहीं, जितना हो गया हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, बहुत पढ़ लिया आपने, अब कुछ भी न्यू नहीं सोचना है, जस्ट अब जितना भी नॉलेज है उसको रिवाइज करो और एग्ज़ाम दो। रिजल्ट जैसा भी होगा वो देखा जाएगा बाद में, पर अभी पहले अपना बेस्ट तो दो। तो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल टिप्स, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।